जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इन्फोटेक को डिस्कस करने जा रहे हैं काफी दिनों से इस स्टॉक के बारे में बात नहीं हुई है और आज के दिन देखेंगे तकरीबन तो दो परसेंट के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है तो क्या अभी इस स्टॉक के अच्छे दिन आ गए हैं या अभी आने वाले बाकी हैं या आएंगे भी कि नहीं इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ लोगों के सवाल भी थे कि इसके ऊपर वीडियो लेकर आइए क्योंकि काफी दिनों से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं देखिए इंडियन इन्फोटेक के काम के बारे में हमको पता है कि नाम में सिर्फ सॉफ्टवेयर लगा है लेकिन कंपनी आई सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है ये जो कंपनी है एक एन कंपनी है यानी कि बैंक तरह काम काज करने वाली कंपनी है लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और उससे जो इसको इंटरेस्ट मिलता है उससे इस कंपनी की कमाई होती है साथ में थोड़े बहुत ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है कंपनी तो बेसिकली फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है लेकिन नाम में सॉफ्टवेयर लगा है, तो उस पर नहीं जाना है काम आप काम आप समझ गए के हिसाब से कंपनी का आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो सकता है लेकिन जरूरी कंपनी का नाम भी चेंज हो नाम चेंज होने पर विचार चल रहा है हो सकता है इस साल के लास्ट तक इस कंपनी का नाम चेंज हो जाए अब चलिए फंडामेंटल समझते हैं इस कंपनी का तो शुरुआत मार्केट से करते हैं देखिए एक सौ संतानवे करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है कम होने के बाद इतना हो गया पहले काफी ज्यादा था हालांकि स्टॉक का पी देखेंगे तो ट्रिपल डिजिट में पेनी स्टॉक का पी महंगा होता ही है लेकिन इतना महंगा नहीं होना चाहिए वैल्यूशन काफी महंगा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो, तो सस्ता है लेकिन जिस तो जिस हिसाब से इस स्टॉक का भी पी चल रहा है यहां पर बाई करना ठीक नहीं होगा स्टॉक का जो शेयर प्राइस है ना इसका बुक वैल्यू से भी कम है यह भी चिंता की बात है और इन सब चीजों को छोड़ दें तो स्टॉक का जो आर होता है और आर ओ होता है वो दोनों भी एक आधा परसेंट भी नहीं है उससे भी कम यानी कि साल भर में आपको इन्वेस्टमेंट पर जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है उनको इस कंपनी ने कुछ कमा के नहीं दिया होगा और अभी भी यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलने नहीं जा रहा है छोटी कंपनी डिविडेंड की इसमें अपेक्षा भी नहीं कर सकते साल भर का हाई देखेंगे तो ये साढ़े तीन रुपये के आसपास लगा है आप बोले किस चलते हैं सीधे चार्ट और एक साल का चार्ट पर आपको समझाने का प्रयास कर देंगे अभी इस स्टॉक में क्या चल रहा है एक साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि फरवरी दो से लेकर यहाँ से ये देखिए फरवरी दो हजार तेईस से और जुलाई दो हजार तेईस तक स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में यहाँ तक फंसा रहा लेकिन अभी क्या वक्त जुलाई दो हजार तेईस में इससे प्राइस ऊपर निकला और ऊपर गया डेढ़ रुपये से लेकर तकरीबन अढ़ाई रुपये तक आपको जाते हुए दिखा अब क्या हुआ कि जब निचले स्तर से स्टॉक चलना शुरू करता है तो थोड़ा ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होता है तो यहाँ पर अभी हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉक में बहुत जरूरी क्योंकि काफ़ी समय से लोग इसमें फंसे हुए हैं तो जिनको जहां जहाँ एवरेज करके आते हैं और वहाँ प्रॉफिट होने लगता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और सही भी है तो प्रॉफिट बुक करने की वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आया है और अभी दो रुपये के आसपास अपना कॉन्सल्टेशन कर जैसे कॉन्सल्टेशन से बाहर निकलेगा यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा सभी रेजिस्टेंस तोड़ते हुए इस लेवल

लोग एवरेजिंग कर रहे होंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि एवरेजिंग यहाँ पर करना सही नहीं होगा थोड़े से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं पिछले कुछ दिनों में वो कैसे आए तो सबसे तो पहले क्वार्टरली रिजल्ट हम कंपनी के आपको पता है कि सेल्स सेल्स की बात करते हैं सेल्स ये रहा और पर देखिए जून क्वार्टर के कंपनी के नंबर आ गए हैं यानी कि कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट नंबर है आ गया है इसमें देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टर का नंबर है सिर्फ चार करोड़ चार करोड़ नब्बे लाख के आसपास हुआ जो कि पिछले क्वार्टर में देखेंगे मार्च क्वार्टर में तो चालीस करोड़ के आसपास हुआ था यानी कि मार्च क्वार्टर में कंपनी को अनएक्सपेक्टेड सेल हुआ था लेकिन उसके मुकाबले देखें तो उसके पिछले कुछ क्वार्टर में इससे अभी ये जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी बढ़िया आया है सेल्स बढ़ा है तो क्या प्रॉफिट बढ़ा है प्रॉफिट भी चेक करना जरूरी तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट आप देखेंगे इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखा जून क्वार्टर में हालांकि पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में पहले सेल्स ज़्यादा हुआ था लेकिन कंपनी लॉस में थी ओवरऑल कंपनी का जो कह सकते हैं कि विकास हो रहा है कंपनी के फंडामेंटल जो है फंडामेंटल आपको मजबूत होते हुए दिख रहे हैं तो इसके बदौलत यदि जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चार्ट पर जो मैंने आपको बातें बताई यदि दो रुपये से प्राइस ऊपर उठता है हाल फिलहाल के दिनों में तो इसलिए आपको तीन साढ़े तीन और फिर चार रुपये तक जाते हुए दिख सकता है तो इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के कंपनी के, के बारे में बात करें तो हाल के दिनों में जो देखने से पता लगता है कि अभी इस स्टॉक में मजबूती बनी हुई है और कुछ कुछ कंपनी के मैनेजमेंट में सुधार हो रहा है मैनेजमेंट में सुधार होने के साथ साथ कुछ कुछ कंपनी में भी सुधार करने हैं जैसे कंपनी अभी एन एस टी पॉलिश नहीं है नाम में भी इस कंपनी का चेंजिंग करनी सारी चीज़ों को जब बारीकी से अध्ययन करके ठीक किया जाएगा तो इंडियन इन्फोटेक आने वाले समय में लॉन्ग टर्म एक बेहतर स्टॉक बन सकता है फिलहाल के लिए जो बातें मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मन में कोई भी सवाल है कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक धन्यवाद शुक्रिया